Hello dear friends, welcome to my channel Share Knowledge. Here is Poonam and today we will do computer codes. So first of all we will start with the BCD code. BCD जो है हमारा उसको बोला जाता है binary coded decimal. जो कंप्यूटर कोड्स में BCD की फुल फॉर्म है इसको binary coded decimal बोला जाता है. तो BCD actually होता है use हमारा binary coded decimal कोड कन्वर्ट्स ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी इक्विवेलेंट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर कि ये बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर को ना कि बाइनरी नंबर में. सो ईच डेसिमल डिजिट इज इंडिपेंडेंटली कन्वर्टेड इनटू 4-bit मेमोरी नंबर. तो जो हर एक डेसिमल डिजिट की जो वैल्यू है उसको इंडिपेंडेंटली हम कन्वर्ट करते हैं 4-bit बाइनरी नंबर में. तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है 4-bit मेमोरी बाइनरी नंबर. तो कर लेते हैं इसको कन्वर्ट डेसिमल टू बीसीडी में. तो डेसिमल टू बीसीडी में जब हम कन्वर्ट करते हैं 42 ये डेसिमल में दिया है इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है. इसमें हमें पहले ही बता दिया है कि 4 डिजिट यूज करेंगे हम. तो 4 डिजिट में 4 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 0 0 0 फाइन. और 2 की जो वैल्यू है दैट इज 0 0 1 0. तो ये हमारे पास आ जाती है बीसीडी में 0 1 0 0 0 1 0 दैट इज बीसीडी वैल्यू. तो ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कन्वर्जन में तो ये डेसिमल टू बीसीडी होता है. वैसे तो हमने बाइनरी टू डेसिमल तो कर ही लिया है लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान सिर्फ यही रखना है जब हम इसको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं शुड बी 4-digit नंबर. देन आ जाते हैं EBCDIC कोड. EBCDIC कोड की जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. और ये रिप्रेजेंट करता है 256 कैरेक्टर्स और हम इसको बोल सकते हैं 2 power 8. तो EBCDIC इज 8-bit कोड और ये डेवलप किया था IBM ने. सो EBCDIC डेवलप्ड बाय IBM एंड दिस कोड इज यूज इन मोस्ट IBM मॉडल्स एंड अदर कंप्यूटर्स. उसके बाद है ASCII कोड. ASCII में हमारे पास जो मेनली हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड दिस कोड इज पॉपुलर इन डेटा कम्युनिकेशन इन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया था ASCII को 1963 में फर्स्टली. लेकिन उसके बाद काफी वेरिएशन इसमें होती रही और फाइनली 1986 में इसको जो फॉर्म में लेके आए वो प्रेजेंट टाइम भी अभी चल रहा है. तो ASCII जो है इसमें 2 टाइप्स हैं ASCII 7 एंड ASCII 8. जो 7 है तो वो 7-bit कोड है. जो ASCII 8 है वो रिप्रेजेंट करता है 8-bit कोड. उसके बाद है हमारा यूनिकोड. यूनिकोड हमारा एग्जिस्टेंस में क्यों आया क्योंकि जो भी हमारे पास पुराने कोड्स थे वो सारे सफिशिएंट नहीं थे किसी भी करेक्टर को हर तरह के करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो यूनिवर्सल करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड हमने बना दिया. तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. तो इट हैज़ ए कैपेसिटी टू इनकोड एज मैनी एज मिलियन करेक्टर एंड इट असाइंस ईच करेक्टर अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड इसमें जो नेम कीपिंग कैरेक्टर कोडिंग है वो काफी सिंपल एंड एफिशिएंट होती है. सो इट रिजर्व ए पार्ट ऑफ द कोड स्पेस फ्रॉम प्राइवेट यूज के लिए इसका कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व रख लिया जाता है. दैट इनेबल्स यूजर्स टू असाइन कोड फॉर देयर ओन कैरेक्टर ताकि वो अपने कैरेक्टर और सिंबल्स के हिसाब से उनको असाइन कर सकें. यूनिकोड एनकोडिंग फॉर्मेट हमारी 3 तरह की होती है UTF-8 UTF-16 एंड UTF-32. तो UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन और जो 8 है हमारा UTF-8 है तो वो बाइट ओरिएंटेड फॉर्मेट है. यहाँ से कई बार क्वेश्चंस मैच तो कॉलिंग में पूछा जा सकता है. तो UTF-16 जो है वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट है. UTF-32 इज डबल वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट. सो ये था थोड़ा सा हमारे शॉर्ट नोट्स अबाउट द कंप्यूटर कोड्स. वैसे यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कई बार कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. तो थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है बींग अ कंप्यूटर एस्पिरेंट्स. तो कंप्यूटर साइंस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और करिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. और अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो करेंगे बूलियन अलजेब्रा पे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम.